बहुत जोर से हवा चल रही है। तो गाइस छतरी के बाद भी मतलब भीग रहे हैं। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो गए, हम लोग भी ठीक है गाइस। और अभी पता है मैं जा रही हूँ स्कूल, यस ये खड़ा है रेडी, तो उसको छोड़ने जा रही हूँ। मैंने सोचा व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, आज लेट हो गई हूँ। और बाहर आई तो मौसम इतना अच्छा है ना गाइस, बादल हो रहा नहीं तो सुबह एकदम तेज़ धूप थी, ऐसा लग रहा था कि बाहर निकला नहीं जाएगा। लेकिन स्कूल का टाइम हुआ और देखा बाहर तो यस को अच्छा लग रहा है, क्योंकि ना धूप में जाना पड़ता है ना तो बहुत मतलब पसीना पसीना हो जाता है ना। तो अभी मौसम अच्छा हो रहा है, देखते हैं शायद बारिश हो जाए। अच्छा मुकू ना छाया में बैठे रहता है, आओ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये बादल देखो कितना अच्छा लग रहा है गाइस, आ रहा है धीरे धीरे करके एकदम काला हो रहा है। तो आगे रोड में दिख रहा है रिक्शा, तो वहाँ से पकड़ लेती हूँ और यस को स्कूल छोड़ के आती हूँ। तो फ्रेंड्स उसी रिक्शे में रिटर्न आ गई, क्योंकि काम ज़्यादा है फटाफट से कर लेती हूँ। A few moments later, हस्बैंड आए हैं लंच करने, तो यहाँ पे हो रहा है भंडारा, तो कह रहे हैं चलो दोनों जन ना लेके आते हैं। मैं तो लेके आऊँगी, वो यहीं पर खा लेंगी और मैं लेके चली जाऊँगी, क्योंकि काम मुझे ना करना है घर का बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं अगर भीड़ नहीं होगी तो मैं रुकूँगी, नहीं तो ये रुके रहेंगी और खा लेंगी ना, तो मैं काम में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। वो हो रहा भंडारा, मुझे तो लग रहा बहुत भीड़ है, लंबी लाइन लगी है। तो गाइस लंच का टाइम था, सभी काम वालों की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चों की भी, तो ये देखो सारे लाइन में लगे हैं। तो चलो मैंने सोचा मैं भी लगी जाती हूँ, अब थोड़ा सा टाइम लगेगा पर प्रसाद लेके ही जाएंगे, तो थोड़ी देर लगे रहे मैं और हस्बैंड, फिर लेके ही वापस आए। इस भंडारा लेके मैं आ गई और आधी चीज़ें ख़त्म ही हो गई लाइन में लगे लगे, मतलब हलवा और रायता साथ में लगे थे, वो लेट आई है, मतलब लेट मिला, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आज हनुमान जयंती है ना, तो इसीलिए लोग भंडारा कर रहे हैं और जगह जगह भंडारा हो रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है। तो चलो जो भी मिला ठीक है, प्रसाद है ना, आज हनुमान जयंती है, तो आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो अभी ना जा रहे हैं, अभी मुझे काम करना है बहुत ज़्यादा, मैं तो चली गई थी कि चलो प्रसाद ले आते हैं, बाकी अभी काम बहुत है मुझे। A few moments later, बाहर आई हूँ निकल के, नहा धो के खाना ना खा के फ्री होके। तो अभी ना यस का टाइम हो रहा है स्कूल का, तो थोड़ा टाइम है अभी, आधा एक घंटे है, तो मैं थोड़ा सा मतलब बाहर निकल आई हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, सुबह टाइम मतलब बादल था, फिर धूप निकल आई थी बहुत तेज़ धूप, और अब फिर बादल हो रहा है, तो मौसम अच्छा भी हो रहा है। बस मैं स्कूल से ले आऊँ तब बारिश हो, पहले नहीं, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जब भी होगा तो हो ही जाएगा। और गाइस फ़ोन में देखा था कि आज मून पिंक कलर का होने वाला है 12:30 बजे, काश ऐसा होगा अगर 12:30 बजे तक इंतज़ार करेंगे, अगर हमने देखा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे, इंतज़ार करेंगे उस पिंक मून का। यार बादल तो काला होता जा रहा है, मुझे इसको लेने भी जाना है, लेकिन अभी नहीं, टाइम पे जाऊँगी उससे पहले बारिश ना हो जाए। बस बहुत ही काला आ रहा है गाइस, बारिश बहुत ज़्यादा लग रहा होगी अगर बारिश हो गई तो, क्योंकि पूरा बादल है ना घनघोर जैसे चारों तरफ से काला आता है ना, उसी तरीके का आ रहा है। वैसे आपको दिख तो नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारे गली में पूरे में देखो पेड़ कितने ज़्यादा लगे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर भी लगता है और हवा भी रहता है, छाया भी रहती है, तो अच्छा तो बहुत है। और लेकिन बादल है, मुझे दिख रहा है ना उस तरफ भी इस तरफ भी, तो ऐसे देखूँ तो पता चलता है। तो कपड़े तो आज मैंने ज़्यादा नहीं धुले थे, सिर्फ 4-5 कपड़े हैं, तो वो फटाफट हटा लूँगी। देखो हवा चलनी चालू हो गई है, तो लगता है क्या पता आंधी से ही उड़ जाए, तो हवा ना स्टार्ट हो गई चलना। तो गुलशन ना पहले सो रहा था, अब ना वो बैठ गया, क्योंकि बाहर का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, हवा चल रही है, पूरे में एकदम काला बादल हो गया, तो उसको बारिश बहुत पसंद है मतलब, तो वो इंतज़ार कर रहा है कि रहा नहीं जाता कि बारिश कब होगी। अरे बारिश तो नहीं आई, आंधी आ गई पूरा देख धूल मट्टी से सन गया, पूरा आंधी आ गई। बारिश तो नहीं आएगी, क्योंकि हवा ना उड़ा ले जा रही है, बारिश बहुत जोर से हवा चल रही है। देखो हालत अभी स्टार्ट, भाई जल्दी जल्दी से कपड़े उठा लेती हूँ यार, जल्दी से कपड़े उठा लेती हूँ ना, नहीं तो फिर पता चले कि कपड़े उठाने का भी मौका ना मिले वो साथ में उड़ी जाऊं आंधी में, इससे पहले भाई उठा लेते हैं। पता है जब आंधी आती है तो एक तरफ से पानी जोर देता है कि मैं आऊँगी, और एक तरफ से मतलब आंधी आती है, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ,
और एक तरफ से पानी बोलता है मैं ताकतवर हूँ। अब इसमें हावी कौन होता है पता नहीं, अगर बारिश आ गई तो समझ लो वो हावी हो गई, और अगर आंधी उड़ा के ले गया समझ लो वो भारी हो गया। एक चीज़ बता दूँ, आंधी आए तो बाहर कभी नहीं रहना चाहिए, कहीं सेफ जगह पर ना हो जाना चाहिए। तो कपड़े उठा लिए मैंने, और गुलशन पता है झांक रहा था और कह रहा था मम्मी उड़ तो नहीं गए हो आप, मैं कह रहा नहीं बेटा मैं इतना भारी हूँ कैसे उड़ सकती हूँ। तो गाइस बारिश चालू हो गई है और टाइम भी हो गया मुझे स्कूल जाने का, तो जाना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं, जाना ही पड़ेगा। बारिश आती रहेगी, हम जाते रहेंगे, चलते रहेंगे और लेके आते हैं यश को। अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ी बारिश हो गई ना तो धूल बैठ गई है। ये देखो स्टार्ट हो गई है और बादल बहुत ज़ोर से गरज रहा है। बारिश जैसे हम लोगों को ना टाइम हो रहा जाने का त्यों त्यों मतलब तेज होती जा रही है। तो गाइस छतरी के बाद भी मतलब भीग रहे हैं आजू बाजू से ना, तो चलो जाना तो पड़ेगा। आगे पूछते हैं रिक्शा वाला भैया जाएगा ना, तो रिक्शे में चले जाएंगे क्योंकि हम दो जन जा रहे हैं, गुलशन भी जा रहा है साथ में, बारिश का मज़ा लेते। तो गाइस जाते टाइम तो बारिश हो रही थी, आते टाइम बंद हो गया, यस आ गया, अब जा रहे हैं। तो आज बारिश में गुलशन भी गया था मेरे साथ यस को लाने, पता है क्यों? क्योंकि उसको बारिश बहुत पसंद है, तो कह रहा था थोड़ा थोड़ा भीगता चला जाऊंगा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बारिश की तबाही ये देखो देख कितना गंदा। तो फ्रेंड्स बारिश तो कमाई पर आंधी बहुत आई, जैसे कि आप देख ही सकते हो कितना कचरा फैल गया। तब इन सबको मैं साफ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ। Much later। तो गाइस मैं और यस बाहर आए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि YouTube में मतलब बहुत सारे लोग डाल रहे हैं कि मून आज पिंक हो जाएगा, तो वो 12:30 बजे, तो वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही दिखा पाऊँगी, पर जो अभी है 11:30 बज रहे हैं, तो अभी का दिखा देती हूँ कैसा है। वो तो मून ये दिख रहा है, अभी तो एकदम वाइट है, मतलब येलो येलो वाइट वाइट सा है, तो अभी तो चांद है ना पिंक कलर का नहीं दिख रहा है। 12:30 बजे इंतज़ार करेंगे, शायद दिखेगा तो अगले व्लॉग में दिखा देंगे। तो चलिए ये व्लॉग तो यहीं पे एंड कर देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, गुड नाइट।